खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के बारे में अमेरिका को कैसे चला था पता? ओसामा बिन लादेन पर आई नई किताब में बड़ा खुलासा। घर के आंगन में सूखते कपड़ों से चला था ओसामा बिन लादेन का पता। सूखने वाले कपड़ों की संख्या से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को लगी थी भनक। CIA ने एब्टाबाद में ही बनाया था अपना अड्डा। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बारे में अमेरिका को कैसे पता चला, इसको लेकर ओसामा बिन लादेन पर आई नई किताब में बड़ा खुलासा किया गया है। अलकायदा के सरगना को लेकर लिखी किताब द राइज एंड फॉल ऑफ ओसामा बिन लादेन में CNN के पूर्व प्रोड्यूसर और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ पीटर बर्जन ने बताया कि लादेन की मौजूदगी के बारे में अमेरिका को कैसे पता चला। किताब में उन्होंने लिखा है कि परिवार की गलती की वजह से लादेन अमेरिका के हत्थे चढ़ा। दरअसल लादेन के घर में आंगन में सूखने वाले कपड़ों की संख्या की वजह से अमेरिका को उसके ठिकाने के बारे में पहचान हुई। इसी पहचान के आधार पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने लादेन की पहचान की और उसे ढेर कर दिया। बता दें कि 9/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने मई 2011 को पाकिस्तान के एब्टाबाद में उसके घर के भीतर घुसकर मार गिराया था। लादेन ने अपने बॉडीगार्ड से पाकिस्तान के एब्टाबाद में खुफिया घर बनाने को कहा था। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले के बाद लादेन की 3 पत्नियां और परिवार बिखर गया था। खुद लादेन अफगानिस्तान के पहाड़ों और उत्तरी पाकिस्तान में छिप रहा था। कहा जाता है कि उसने अपने परिवार को एक बार फिर साथ लाने की कसम खाई थी। लादेन ने अपने बॉडीगार्ड इब्राहिम सईद अहमद अब्दुल हामिद से एक जमीन खरीदने और पाकिस्तान के एब्टाबाद में खुफिया घर तैयार करने को कहा। बिन लादेन के कहने पर उसके बॉडीगार्ड ने एब्टाबाद में एक 3 मंजिला घर बनवाया। 2005 में लादेन ने रहना शुरू किया। लादेन के कहने पर एब्टाबाद में एक 3 मंजिला घर बनकर तैयार हुआ, जिसमें पहली और दूसरी मंजिल पर 4-4 बेडरूम थे और सभी में एक बाथरूम था। सबसे ऊपरी मंजिल पर लादेन के निजी इस्तेमाल के लिए एक बेडरूम, बाथरूम, स्टडी और छत थी। कथित तौर पर परिवार के सदस्यों ने 2005 में उस मकान में आना जाना शुरू किया और उसके बाद सभी उसी घर में रहने लगे। लादेन के घर तक कैसे पहुंची अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA? दरअसल बॉडीगार्ड अपने परिवार के सदस्यों के साथ हर रोज उस घर में आता था और परिसर में ही बने एक दूसरे घर में रहता था। घर में कड़े सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता था और बॉडीगार्ड को किसी से ज्यादा घुलने मिलने की मनाही थी। 2010 में एक दिन पेशावर में CIA के एक मुखबिर ने कथित तौर पर बॉडीगार्ड इब्राहिम को भीड़ में देखा। किताब के मुताबिक अगस्त में उसकी कार का पीछा करते हुए CIA आखिरकार लादेन के खुफिया घर तक जा पहुंची, जहां लादेन की 3 पत्नियां, 8 बच्चे और 4 पोते-पोतियां रह रहे थे। घर के आसपास CIA ने बनाया अड्डा। इस मकान में ऐसी कई चीजें थी जिसे देखकर CIA का शक बढ़ता गया, खासकर किसी टेलीफोन या इंटरनेट लाइन का न होना और घर में कम खिड़कियों का होना। लादेन के घर में रहने वालों पर नजर रखने के लिए CIA ने उस मकान के आसपास अपना अड्डा बनाया। सूखते कपड़ों की गिनती से शक हुआ पुख्ता। CIA ने देखा कि हर सुबह घर का आंगन महिलाओं के कपड़ों, पारंपरिक पाकिस्तानी पुरुष पोशाकों, बच्चों के डायपर और कई अन्य कपड़ों से भरा होता है, जो कथित तौर पर बॉडीगार्ड के परिवार के 11 सदस्यों की तुलना में कई ज्यादा लोगों के घर के भीतर होने की ओर इशारा कर रहा था। एजेंट्स ने अनुमान लगाया कि घर में एक व्यस्क पुरुष, कई व्यस्क महिलाएं और कम से कम 9 बच्चे हैं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को CIA ने सबूत पेश किए और उन्होंने हत्या के लिए आगे बढ़ने के आदेश दिए। आखिरकार मई 2011 में वैश्विक आतंकवादी के खिलाफ एक अमेरिकी सैन्य अभियान चलाया गया, जिसके बाद वॉशिंगटन ने घोषणा की कि ओसामा बिन लादेन मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।